हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी वेज बिरयानी। वेज बिरयानी बनाने के लिए हमने लिया है, ये मैंने फ्रेंच बीन्स ली है, गाजर लिया है, शिमला मिर्च है, आलू है, पनीर लिया है और ये गोभी के छोटे छोटे पीसेस करके लिए है। सभी पीसेस हमने छोटे साइज के रखे हैं ताकि पकने में आसानी हो। ये हरे मटर हमने लिए है, दो हमने बड़े साइज़ के टोमेटो लिए हैं, तीन हमने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं जिसे ऐसे लंबे से कट करके लिया है, एक टेबलस्पून हमने जिंजर का पेस्ट लिया है, एक टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट है, कुछ हमें खड़े मसाले लगेंगे जिसमें हमने 8-10 काली मिर्च ली है, 4-5 हमने लवंग ली है, 4-5 हरी इलायची है, एक बड़ी इलायची है, 1.5 इंच का हमने दालचीनी का पीस लिया है और 1 टेबलस्पून हमने शाही जीरा लिया है, 2-3 हमने तेज पत्ते लिए हैं, 1 टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर है, नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा जो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है और 2 टेबलस्पून हमने बिरयानी मसाला लिया है। ये कुछ धनिया पत्ते हमने बारीक कट करके लिए है और इसके साथ में पुदीने के पत्ते भी लिए है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं वेज बिरयानी। कढ़ाई गैस पे रख के हमने 3-4 टेबलस्पून ऑयल इसमें डाल लिया है जिसमें पहले हम ये प्याज फ्राई करेंगे। हमारे प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है और इसे 1-2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी इसमें से हम कुछ प्याज निकाल लेते हैं जो हमें बिरयानी के असेंबलिंग के टाइम लगेगा, और ये मैं निकाल लेती हूँ और कुछ प्याज हम इसमें ही रहने देंगे सब्जी के लिए। अभी इसमें हम ये आलू ऐड करेंगे। आलू को थोड़ा पकने देंगे फिर बाकी की सब्जी ऐड करेंगे। आलू और प्याज को थोड़ा सा साइड में करके हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम 2 हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। अभी हम बाकी की सब्जियां इसमें ऐड करेंगे जिसमें हमने गोभी डाला है, परस भी डाला है और गाजर डाला है। शिमला मिर्च को अभी 2-3 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे। अभी इसमें ये 2 बड़े साइज के टोमेटो हमने कट करके लिए है इसमें ऐड। सभी सब्जियों को और टोमेटो को अच्छे से पकने देंगे। अभी इसमें ये शिमला मिर्च हम डाल लेंगे और पनीर के क्यूब्स भी हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही में ये मटर हमने लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लेंगे। ये सब मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, बिरयानी मसाला, नमक, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर सभी हम इसमें ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो रखेंगे और सभी मसालों को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
सब्जियों को गलने तक नहीं पकाना है क्योंकि आगे हमें राइस के साथ भी इसे पकाना है। 2-3 मिनट हम इसे ऐसे ही फ्राई करके लेंगे। और एकदम थोड़ा सा हम इसमें पानी मिक्स करेंगे। अभी मैं इसे साइड में करती हूँ और चावल को हम बॉईल होने के लिए रखेंगे। ये हमने पतीले में पानी गर्म करने के लिए रखा था चावल के लिए। ये आधे घंटे पहले हमने 1.5 कप चावल को भिगो के लिया था। अभी ये चावल हम इसमें ऐड कर लेते हैं। और साथ में ही इसके ये गरम मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। ये कर देते हैं और चावल को हमें पूरा नहीं पकाना है, 70-80% तक ही हम चावल को पकाएंगे। इसके साथ ही इसमें हम ये 1 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे। और ये 1 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। राइस को अच्छे से बॉईल होने देते हैं। नमक हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, इसमें मैंने 1.5-2 चम्मच नमक डाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार हम इसे अच्छे से हिला के चेक करते हैं हमारा राइस पक्का है क्या। तो इसे ऐसे करेंगे तो आधा कुड़ा हो रहा है इसका, इसका ही मतलब 70% हमारा राइस पक चुका है। अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे छाननी में छान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, साइड में हमने सब्जी को पकने के लिए रखा था, ये भी ज़्यादा नहीं पकानी है, इसे भी हमने 70% ही कुक करके लिया है। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं और बिरयानी को फिर हम असेंबल कर लेंगे। ये हमने घी को थोड़ा सा पिघला के लिया है, इसमें हम ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स करके रखेंगे। इससे बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आता है। ये हम बीच बीच में डालेंगे। ये मैं साइड में रखती हूँ। अभी हम बिरयानी को असेंबल करेंगे। तो इसका लेयरिंग कर रहे हैं तो पहले हम सब्जी नीचे डालते हैं, इसको सभी साइड को ऐसे कर लेंगे। दो ही लेयर कर रहे हैं हम। अभी इसके ऊपर हम ये चावल डालेंगे। चावल का स्मेल बहुत ही अच्छा आ रहा है। अभी ये जो हमने घी बनाया था, ये घी हम इसमें बीच बीच में ऐड करते जाएंगे, इससे बिरयानी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। फिर ये जो प्याज हमने तल के रखे हैं, ये इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम धनिया पत्ती डालेंगे और थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। वापिस से अभी हम दूसरा लेयर करेंगे सब्जी पर। पहले नीचे सब्जी डालेंगे, इसमें हम सब्जी और राइस बराबर के क्वांटिटी में बनाते हैं ताकि
बिरयानी का टेस्ट अच्छा है। वापिस से ये जो हमारे चावल बचे हैं ये इसके ऊपर फैला के देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी चावल हमने इस तरह से इसके ऊपर डाल लिए हैं सब्जी के ऊपर, और इसे अच्छे से सभी साइड में फैला लिया है। अभी वापिस से सेम प्रोसेस करेंगे। ये जो हमने हल्दी का घी बनाया था इसको हम राइस के ऊपर ऐसे डालेंगे। आप देखना इसे कितना अच्छा कलर आता है हमारे बिरयानी का। बचे हुए प्याज इसके ऊपर डालेंगे। धनिया पत्ती डालेंगे। साथ ही में पुदीने के पत्ते भी रखेंगे। ये हमने थोड़ा चावल में एक कप पानी निकाल के रखा था, चावल बॉईल किया उसका, ये 2-3 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। इससे हमारे बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये कुछ काजू और किशमिश हम इसमें ऐड करेंगे। आपको चाहिए तो आप इसे फ्राई करके भी डाल सकते हैं, ये सब्जी में भी आप डाल सकते हो चाहिए तो। ऑयल को हमने लगाया है ताकि स्टीम बाहर नहीं आए और अच्छे से हमारी बिरयानी को दम मिले, इसलिए हमने ये इस तरह से ऑयल को अच्छे से पैक करके रखा है। अभी 2-3 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, फिर स्लो पे करके 10 मिनट इसको रखेंगे। 3-4 मिनट हमने मीडियम पे रखा था, अभी हम इसे तवे पे रखेंगे, 10 मिनट के लिए इसे दम देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब यह ढक्कन हम निकाल लेते हैं। 15 मिनट के लिए टोटल हमने इसे दम पे रखा था, तो ये इसे निकाल के ये देखिए कितना अच्छा दम आया है हमारी बिरयानी को। अभी हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे बिरयानी का, कितना अच्छा बना है, और राइस देखिए आप कितना खिला खिला बना है। ये हमारी वेज बिरयानी की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, उससे आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेगी। मेरी बिरयानी की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।